अच्छा, रिवर्स एक्विजिशन के लिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ ही उसका वो सब समझेंगे कि क्या क्या है करके। सो प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 21, ये सॉल्व कर देंगे तो आपको वो पूरा समझ में आ जाएगा रिवर्स एक्विजिशन। हाँ, एक ही क्वेश्चन है अभी तक, इसके ऊपर एक भी क्वेश्चन इसके आगे बना नहीं है, भले वो इंड एज का मटेरियल हो या फिर IFRS का मटेरियल हो, एक वन एंड ओनली क्वेश्चन इज इट इज देयर। सो इफ इट कम्स इट इज हाई प्रोबेबिलिटी एज इट इज आएगा, तो याद करो, अगर नसीब अच्छा रहेगा तो आ जाएगा आपका ऐसा। वैसे अच्छा बोलो या बुरा बोलो, फॉर्चुनेट या अनफॉर्चुनेटली पता नहीं, बट चलो पढ़ते वो क्या है करके। ध्यान देना, शायद हो सकता है आपको 10-15 मिनट बाद थोड़ा ऐसा डाइसी लगे तो मेरे को बता देना करके। पढ़े ऑन On September 30, 2011, Entity A issues 2.5 shares in exchange for each ordinary share of Entity B. कुछ दो entities इतना समझ में आ रहा है मेरे को, एक A है और एक B है करके। तुम थोड़ी देर बाद लिखो तो भी ठीक है, पहले यहाँ पे समझना। एक A limited है और एक B limited है, कुछ तो इनके बीच में exchange हो रहा है करके। अच्छा, A share कितना दे रहा है? 2.5 इन एक्सचेंज ऑफ, कितना बोला है? ऑर्डिनरी शेयर ऑफ 1। मुझे बताओ बी में अगर मान लो दो शेयर है तो कितना मिलेगा बी वालों को? 5 मिलेगा, ए 5 शेयर देगा। समझ में आता है? अच्छा, इतना पढ़ने से क्या लगता है कि कौन एक्वायरर है, शेयर्स कौन इशू कर रहा है? ए। तो ऐसा अगर ऊपर ऊपर से देखेंगे तो पर्सन हु पेस पीसी इज एक्वायरर, सो अभी लग रहा है कि एक्वायरर है। आगे पढ़ते हैं, All of entity B's shareholders exchange their shares in entity B. अच्छा, मतलब मैं बात करूं तो यहां पे entity B है तो इसके shareholders लोग रहेंगे। पहले सुन लो, बाद में लिखना चाहिए। तो shareholders of B, shareholders of B को एक नाम दे देते मिस्टर B या फिर मिस्टर Y रख देते, वो B भी कंफ्यूज होएगा करके, तो क्या करना है? B मिस्टर Y रख देते, शेयरहोल्डर्स ऑफ बी को बोल दिया, एक नाम से बोल दिया मिस्टर वाई करके, जो इसका शेयर होल्डर है वैसा। अच्छा, आगे पढ़ते हैं, ऑल एंटी ऑल शेयर ऑल ऑफ एंटिटी बीज शेयर होल्डर एक्सचेंज देयर शेयर्स इन एंटिटी बी, मतलब शेयरहोल्डर्स ऑफ बी एक्सचेंज करेंगे, सारे लोग मान गए हैं करके, और यहाँ पे सारों में मैंने एक ही नाम दे दिया मिस्टर वाई करके। अच्छा, आगे, देयर फोर एंटिटी ए इशूज 150 शेयर्स इन एक्सचेंज फॉर 60। टैली करने का है तो यू कैन क्रॉस चेक और टैली होएगा करके, 60 के लिए 150 देना चाहिए। देखो जरा करके, समझ में आता है वो एक्सचेंज रेशियो? अगर ए है और बी है तो बी 2.5 देगा, बी का एक रहेगा तो ए 2.5 देगा, तो अगर इसके 60 है तो कितना दिया जाएगा? 150, तो वो बराबर दिया उन्होंने, मतलब ये समझ में आता है करके, वो बराबर ही रहेगा वो। आगे, द फेयर वैल्यू ऑफ ईच ऑर्डिनरी शेयर ऑफ बी ऑन 30th। अच्छा, ये सब कब हो रहा है आपका? डेट क्या है? 30th September। आई कैन से ये आपका क्या हो सकता है, कौन सा डेट हो सकता है? डेट ऑफ एक्विजिशन, जिस दिन ये सारा ट्रांजेक्शन हो रहा है करके। अच्छा, समझ में आ रहा है सब? मोबाइल नहीं यूज कर रहे हम? अच्छा, तू आगे बैठे, नहीं तो नहीं ना, बराबर उधर से ध्यान दे, तूने तो पूरा पोजीशन ही चेंज कर लिया है बैठने का। मतलब उसके पीछे वो स्क्रीन और एक है क्या मितेश के, जिससे दिखता है? अच्छा, पढ़ते, द फेयर वैल्यू ऑफ ईच ऑर्डिनरी शेयर ऑफ एंटिटी बी एट September 30, 2011 इस कितना लिखा हुआ है? 40 है। किसकी फेयर वैल्यू है? बी की। तो आई कैन से फेयर वैल्यू जो है बी की वो 40 है। और उसके बाद आगे लिखा है द कोटेड मार्केट प्राइस ऑफ एज ऑर्डिनरी शेयर्स एट दिस डेट इज 16। तो इसका फेयर वैल्यू 16 है, तो आपको समझ में आता है इसलिए उसने 2.5 दिया रहेगा। अच्छा, इसके बाद आपको समझते हैं वो 40 और वो मैच भी होता है कि 16 रुपीज का एक है तो 40 के अगेंस्ट कितना देना पड़ेगा? 2.5 देना पड़ेगा, 40 डिवाइड बाय 16 करते हो तो। अच्छा, आगे पढ़ते, वो रेशियो तो दिया ही था, एंड द फेयर वैल्यू ऑफ एंटिटी इज आइडेंटिफाइबल
असेट्स एंड लाइबिलिटीज एज ऑन, अच्छा ये बाद में पढ़ते हैं, पहले कुछ समझो आप तो थोड़ा आइडिया आएगा। ये शेयर्स किसको दिए, मैं वापस पढ़ता हूँ 150 वाला शेयर, तो सेकेंड लाइन से पढ़ते, देर आर देयरफॉर एंटिटी ए इश्यूज 150 शेयर्स इन एक्सचेंज फॉर ऑल 60 शेयर्स ऑफ एंटिटी बी, और ये सारे शेयर होल्डर मान गए करके। तो मुझे बताओ शेयर्स इशू कौन कर रहे हैं सबसे पहले, ए या बी? ए। टू हुम? बी लिमिटेड और शेयर होल्डर्स ऑफ बी, शेयर होल्डर्स ऑफ बी को दे रहा है करके, और उनसे वो 60 शेयर खरीद रहे हैं। तो देखो एक्चुअल में होगा क्या, अगर मैं यहाँ से बताने जाऊँ तो यहाँ से कुछ ये इनको देंगे और यहाँ से कुछ ये इनको देंगे करके, देखो क्या होएगा वो। इस केस में मुझे बताओ हम कितना एलिमिनेट कितना शेयर्स देगा, और बी वाले कितने सरेंडर करेंगे, मतलब मिस्टर वाई सरेंडर करेगा हाउ मेनी शेयर्स जो किसके पास आ रहे, ए के पास। तो ए में देखेगा इन्वेस्टमेंट कि ए ने इन्वेस्टमेंट किया है किसके अंदर, बी के अंदर, शेयर्स इन्वेस्ट हुआ ना। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, समझता ठीक है। और जब सी एफ एस नॉर्मली बनता है तो अभी तक चलो वो देखते, बट पहले अभी तक 60 आया है। अच्छा, और अगर पूरे का पूरा ही आ गया है क्या? हाँ, 60 पूरा 60 था या उससे ज्यादा था या उतना ही था, तो इस केस में तो सीधा सारे असेट लाइबिलिटी आ जाएंगे इन्वेस्टमेंट की जगह पे, पूरा असेट लाइबिलिटी अगर देखने जाए अभी तक। तो अब मुझे बताओ ए के भी शेयर होल्डर रहेंगे उसके खुद के, तो यहाँ पे लिख देता हूँ शेयर होल्डर्स ऑफ ए, और उसको कुछ नाम दे सकते हम लोग, या तो शेयरहोल्डर्स ऑफ ए बोलते रहेंगे या तो मिस्टर क्या बोल सकते, एक्स बोल सकते, उसको वाई उधर लिख दिया तो इधर एक्स आ जाएगा, ए बी एक्स वाई करके। अच्छा, अब इस केस में हो क्या रहा है अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो, वैसे ये ट्रांजेक्शन जो था वो मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताया, अब उसको मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट करूँ तो देखो आपको वो समझ में आएगा। अगर मैं यहाँ पे आपको लिख के बताऊँ थोड़ा सा तो देखो आइडिया आएगा। अभी मेरे को ये बताना कि अब एंटिटी यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ ए लिमिटेड की, बराबर, ए लिमिटेड के अंदर भी शेयर होल्डर कितने हो गए, दो। एक शेयर होल्डर्स ऑफ ए लिमिटेड जो पहले से थे एंड शेयर होल्डर्स ऑफ बी लिमिटेड। अच्छा, मुझे बता सकते हो ए के पास पहले एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने थे, तो उसके लिए बैलेंस शीट देखना पड़ेगा। सो टर्न द पेज एंड टेल मी ए के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर या फिर शेयर्स कितने थे। अच्छा, 100 दिख रहा है, 100 है, और बी के कितने थे, 60 अगेन। तो मैं देखो यहां पे क्या बोलता हूं, अब ए के टोटल शेयर्स कितने हो जाएंगे, 250, बिकॉज 100 वर ऑलरेडी देयर एंड आई इशूड 150, सो आई विल हैव 250 शेयर्स। अच्छा, इस केस में देखो अभी क्या होगा, ए लिमिटेड में कौन कौन रहेगा जो शेयर होल्ड करेगा, शेयर होल्डर्स ऑफ ए लिमिटेड, सॉरी शेयर होल्डर्स ऑफ ए जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मिस्टर एक्स, और एक रहेगा शेयर होल्डर्स ऑफ वाई, सॉरी शेयर होल्डर्स ऑफ बी जिसको हम बोल रहे शेयर मिस्टर वाई करके। अच्छा, अब मुझे ये बताना इसके पास कितना शेयर है, 100, इसके पास शेयर है 150, और इधर है 100 प्लस 150। अच्छा, नाउ इफ आई कैलकुलेट परसेंटेजेस, सो मिस्टर एक्स हैज कितना परसेंट निकालने आएगा, 100 डिवाइडेड बाय 250, 40, हाँ वही क्वेश्चन का है। अच्छा, देन ए लिमिटेड ने शेयर्स किस में हेल्ड किए हुए हैं, बी लिमिटेड में। अच्छा, ऑल 100% आई कैन से होली ओन्ड है, इतना समझ में आता ये डेटा, या फिर इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस है? ऐसा कुछ तो पहले भी देखा था थोड़ी देर पहले बिजनेस कॉम्बिनेशन में, एक बार ऐसा सेम बताया था। यहां तक कोई डाउट है क्या? नहीं। आगे बढ़ते, अब देखो मैं आपको पूछता हूँ ध्यान से, और ए लिमिटेड है मान लो बी लिमिटेड, अभी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए जो मैंने बोला था, थोड़ी देर के लिए वो भूल जाओ जो मैंने बोला था, ठीक है, वैसे भी याद नहीं था बोलेंगे ठीक है। अभी ए है और बी है, यहाँ पे मान लो ए बी को एक्वायर करता है, इसके 60 शेयर थी, ये पूरे खरीद ली है, बराबर। मुझे बताओ ए लिमिटेड को, और यहाँ पे है मिस्टर एक्स और यहाँ पे है मिस्टर
वाई। समझो यहाँ पे मैं पढ़ाओ कि नहीं पढ़ाओ? नहीं सर पढ़ाओ। हाँ ध्यान से सुनते जाना। 10,000 शेयर ए के है, बी के कितने शेयर है? 1,000। रेशियो है 1:1 का, तो बी वाले शेयर होल्डर लोगों को कितना मिलेगा? 1,000। ए के टोटल शेयर्स कितने हो जाएंगे? 10,000 प्लस 1,000 कितना हो जाएगा? 11,000। इस पे मिस्टर एक्स कंट्रोल करेगा ए के ऊपर या मिस्टर वाई कंट्रोल करेगा? मिस्टर एक्स करेगा। अगर मैं बी की बात करता हूँ तो बी के जो भी 1,000 शेयर है वो पहले वाई के पास थे, अब वो किसके पास आ गए? ए लिमिटेड के पास। और ए लिमिटेड को कौन कंट्रोल कर रहा है? एक्स, मिस्टर एक्स। समझता है? ये डाउट है या क्लियर है? ये क्लियर है। अब मैं प्री की बात करता हूं, मुझे बताओ ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, ए लिमिटेड को कंट्रोल कौन कर रहा था पहले? मिस्टर एक्स। और पहले कौन कर रहा था? मिस्टर वाई। और ये पोस्ट की बात है। मैं देखो क्या बोल रहा हूं आपको, पहले ए को मिस्टर एक्स कंट्रोल कर रहा था, बाद में भी मिस्टर एक्स ही कंट्रोल कर रहा है, बराबर। बी को पहले वाई कंट्रोल कर रहा था, बी को भी एक्स कर रहा है। किसका कंट्रोल शिफ्ट हुआ है? बी लिमिटेड का। तो इस केस में एक्वायरी किसको बोलेंगे? ए या बी? बी। जिसका शिफ्ट होता है, जिसको खरीदा गया है उसका कंट्रोल शिफ्ट होता है। आई कैन सी दैट एंटिटी जिसका कंट्रोल शिफ्ट होता है इज एक्वायरी, बिकॉज उसको पहले कोई और होल्ड कर रहा था, अभी मैंने खरीद के अभी मैंने कंट्रोल ले लिया, तो उसको पहले कंट्रोल करने वाला कोई और था, अभी मैं हूं करके। पहले ये समझता है, मेरे को खाली एक लाइन आपको समझाने का है। जिसका कंट्रोल चेंज होता है वो कौन होता है? एक्वायरी या एक्वायरर? जिसका कंट्रोल शिफ्ट हुआ ना, कि पहले कोई और था मैंने खरीद लिया तो मैं एक्वायरर हूं, मेरे को भी मैं ही कंट्रोल कर रहा हूं और उस कंपनी को भी मैं ही कंट्रोल कर रहा हूं, लेकिन उस कंपनी को पहले कोई और कर रहा था, अभी मैं कंट्रोल कर रहा हूं, तो जिसको मैंने खरीदा उसमें कंट्रोल शिफ्ट हुआ ना। एक ही लाइन है तो बाय हार्ट कर लेने का, जिसका कंट्रोल शिफ्ट होता है वो एक्वायर है, उसको खरीदा गया करके तो शिफ्ट किया ना कंट्रोल। अच्छा, ये खाली समझाने के लिए था। वैसे ये वापस बोलू? नहीं, अच्छा अब देखना। अब यहां पे बात करते प्री पोस्ट की। कुछ डाउट है तो बोलो। बोल देना। ए लिमिटेड बी लिमिटेड। अच्छा मेरे को भी बताने का प्री एक्चुअली वो एक हम हमारे लैंग्वेज के लिए बोल रहे, लूज लैंग्वेज में यहां पे लिखा जाएगा शेयर होल्डर्स ऑफ ए, बराबर। अब क्या होएगा? तो ऐसा होएगा कि ए लिमिटेड को पोस्ट में अगर हम देखेंगे तो देखना, ये पोस्ट वाला है, अभी ये जो डायग्राम बनाया गया ना ये पोस्ट वाला, ये वाला कि सब कुछ होने के बाद क्या हुआ। ए लिमिटेड को कौन कंट्रोल कर रहा है, एक्स या वाई? वाई। ये समझ में आता है? और अभी मैं बी की बात करता हूं तो बी को कौन कंट्रोल कर रहा है मालूम है? एक्चुअल में ए लिमिटेड, और ए लिमिटेड इज अल्टीमेटली कंट्रोल्ड बाय वाई। तो आपको नहीं लगता, देखो ये सेम है, मिस्टर वाई चेंज कहां पे हुआ है? एक्स का वाई ए लिमिटेड में हुआ है, और जहां पे कंट्रोल शिफ्ट होता है वो एक्वायरी होता है, अभी थोड़े देर पहले समझाया था, आई होप नहीं भूले रहेंगे वो। अच्छा तो यहां पे ए लिमिटेड इज एक्वायरी एज चेंज इन कंट्रोल और शिफ्ट इन कंट्रोल शिफ्ट हुआ है, और ये क्या रहेगा? बी लिमिटेड इज एक्वायरर।
बट आप देखने जाओगे पीसी किसने किसको दिया है, ए ने बी को, बट अभी ऐसा नहीं देखेंगे। फिर उसने इशू बोला था, लेकिन क्वेश्चन में ऐसे लिखा था कि ए हैज पेड पीसी टू बी, तो आपको ऐसा लगता रहेगा पहले ए इज एक्वायरर, बट अभी समझ में आता है एक्वायरर कौन है, बी, जहां पे इशू उसने नहीं किया है पीसी करके। थोड़ा समझते आता। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा वर्ड यूज करूँ परचेसिंग कंपनी एंड सेलिंग कंपनी करके, तो मेरे को बताना परचेसिंग कंपनी कौन है और सेलिंग कंपनी कौन है। मैं ए लिमिटेड लिखता हूँ, बी लिमिटेड लिखता हूँ, तो ए कौन सी कंपनी है, एक्चुअली में उसको खरीदा जा रहा है ना, एक्वायरी मतलब जिसको खरीदा जाता है, एक्वायरर मतलब खरीदने वाला। अभी तक कोई डाउट है क्या, यह समझ में आता है कि शिफ्ट कैसे हुआ? तो अपने स्टेप्स कितने होते हैं, उसमें से पहला स्टेप था आइडेंटिफाई एक्वायरर, जनरली द वन हु पेस पीसी, बट एक्सेप्शन इज रिवर्स एक्विजिशन। सो इन दिस केस एक्वायरर इज मिस्टर मतलब बी लिमिटेड, पक्का ठीक है, बराबर है। दूसरा, व्हाट इज डेट ऑफ एक्विजिशन, 30 सितंबर पहला, एक सेकेंड, तो वही रहेगा, मैंने तो लिखा भी था पहले। थर्ड स्टेप क्या आता है, दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बताओ तुम दिमाग लगाओ और मेरे को बताओ क्या आएगा पीसी। आई नीड अ टोटल वैल्यू, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पीसी, बताओ कितना आता है पीसी। अच्छा, क्या किया 600 के लिए, बताओ तो सही, तो पता तो, इट इज समथिंग विच इज वेरी मच ट्रिकी, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि तुमने अपना क्या दिमाग लगाया। उसने फॉरगो किया अपना पिछली शेयर, हाँ वो वैसे भी वही वैल्यू पे था, मतलब जितना 600 का मैच, क्या इनटू क्या किया, 10 कहाँ पे था ये। हाँ कितना आएगा 600, कैसे आया 60 into 10। As when I pay someone, उसका फेस वैल्यू डजेंट मैटर। मैं क्या बोलते हैं, एक शेयर 10 रुपये का फेस वैल्यू है, मार्केट का वैल्यू 40 रुपये है, आई गेव यू 1 शेयर, तो मैंने आपको 10 रुपये दिया या 40 रुपये दिया। अरे सिंपल क्वेश्चन है, एक शेयर है जिसका फेस वैल्यू 10 है, मार्केट का वैल्यू 40 है, अगर मैं आपको एक शेयर देता हूँ तो मैंने 10 रुपये दिया कि 40 दिया, तो फॉर परचेज कंसिडरेशन फेस वैल्यू इज इररिलेवेंट। करते तुम्हारा आंसर कितना आता है 2400। अच्छा एक काम करो, तुमने ऐसा किया क्या, ये इंटू ये बराबर, अच्छा ये इंटू ये करो, सेम ही आएगा, आंसर गलत है 2400, बस ये बताने का। इट इज समथिंग, दो हजार कैसे, मतलब ऐसा बताओ तो सही, पहले मैंने बोल दिया 2400 गलत है करके, 2000 गलत है, हाँ दैट इज ऑल्सो समथिंग विच इज रॉन्ग।
बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाला चीज है, बट बताओ तो सही कितना आएगा। नहीं बट क्या किया जरा बताएगा या नहीं? सोचा बराबर है, बस एक जगह पे गलत सोचा, ऑलमोस्ट ऑन द राइट ट्रैक है, ऐसा है ऑलमोस्ट, जो भी एक चीज गलत किया अदरवाइज एवरीथिंग इज ओके। समझाऊं मैं अगर आपका मतलब आपने दिमाग लगा लिया होगा तो? दो मेथड से समझेंगे, फिर दो में से आपको जो वो ठीक लगेगा वैसा मैं बताएगा, बट पहले लेट अस अंडरस्टैंड वो है क्या करके। यहाँ पे लिखा गया है पीसी मीन्स पेमेंट मेड टू ओनर्स ऑफ सेलिंग कंपनी, पहले ये स्टेटमेंट डाइजेस्ट होता है आपको, पीसी मीन्स पेमेंट मेड टू ओनर्स ऑफ सेलिंग कंपनी, मतलब जिस कंपनी को हम खरीद रहे हैं वो सेलिंग हो गई, तो उसके ओनर को जो पैसा दिया वो पीसी हो गया, उसने अपने को कंपनी दी मतलब या फिर उसके शेयर दिए और हमने उसको पैसा दिया, इसमें कोई डाउट है या क्लियर है ये स्टेटमेंट? क्लियर है। अच्छा आप यू नीड टू आइडेंटिफाई विच कंपनी इज सेलिंग कंपनी, तो ए है या बी है? तो थोड़ी देर पहले इधर ही मैंने लिखा दिया कि ए लिमिटेड इज अ सेलिंग कंपनी, एक्चुअली बी खरीद रहा है, तो मतलब पीसी इज मेड टू ओनर्स ऑफ सेलिंग कंपनी विच इज ए लिमिटेड, चलो ये भी कंफर्म है, मतलब पीसी देगा कौन? बी। समझते जाना, अभी कुछ कैलकुलेशंस वगैरह मत करो, खाली भी समझते जाओ। मैं क्या बोलता हूं, एट द एंड ए को एक्वायर बी करे या बी को एक्वायर ए करे, एट द एंड एक कंपनी बनेगा। मैं ए को खरीदता हूं, ए बी को खरीदे या बी ए को खरीदे, एट द एंड क्या बनेगा? एक ही पर्सन रहेगा जो कंट्रोल करेगा कंबाइंड एंटिटी में, ए बी जो रहेगा मतलब मेन एक एंटिटी में एक ही पर्सन रहेगा जो दोनों में कंट्रोल करने वाला है करके, पहले ये समझता है। और वो जो कंबाइंड एंटिटी रहेगी उसके अंदर शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या रहेगा? मान लो ये सब होता ही नहीं, मान लो कंपनी सोचता है रिवर्स एक्विजिशन नहीं करने का, डायरेक्ट एक्विजिशन करने का, डायरेक्ट एक्विजिशन करने का मतलब ए बी को उल्टा खरीद रहा है, ऐसा सब नहीं, सीधा यही बोला गया कि बी ए को खरीद रहा है, तो समझ में आता, तो ये क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता। अगर क्वेश्चन में ऐसा ही लिखा होता कि बी इज इशूइंग शेयर्स टू ए लिमिटेड, तो आपको लगता है ये इजी होता? और जो पैसा ए को दिया है ए के शोल्डर को, वो पीसी माना जाता? इसमें कोई डाउट है? नहीं। तो इफ अगर मैं यहां पे लिखता हूं, मेरे को बताते जाना, देखो कितना ये होता है, इफ बी इज एक्वायरिंग ए, मैं ये मान ले होता हूं, मैंने ऊपर लिखा भी है नोशनल सिचुएशन, अज्यूम दैट इट इज नॉर्मल एक्विजिशन कि बी ए को खरीद रहा है, फिर उस हिसाब से आपको समझ में आएगा कि क्या है करके। तो मैं इसमें ऐसा लिख देता हूं, बी इज एक्वायरिंग ए, बराबर। उसके बाद मैं अगर यहां पे बोलता हूं बी इज एक्वायरिंग ए, उस केस में एट द एंड क्या बनेगा? एक कंबाइंड एंटिटी बनेगा, और उस कंबाइंड एंटिटी में जो भी एंटिटी बनेगा, यहां पे बी एक्वायर कर रहा है तो वो बी रहेगा एंटिटी, बी के नाम से रहेगा, बी इज एक्वायरिंग ए, तो इस केस में बी रहेगा कंबाइंड एंटिटी। रिवर्स एक्विजिशन में ए खरीद रहा था तो ए के जो ए ने बी को खरीदा तो ए और बी हो गए, और उस कंबाइंड एंटिटी में दो लोग शेयर होल्ड कर रहे थे,
एग्जिस्टिंग एक ए के थे और एक बी के थे, और उसका शेयरहोल्डिंग पैटर्न कितना था, 60-40। तो आप अगर डायरेक्ट भी करते हो तो आप ये तो वो घुमा फिरा के कि अगर डायरेक्ट करते तो ऐसा बोलते कि मैं तेरे को खरीद रहा हूँ और एट द एंड तेरा 40% रहेगा और मेरा 60% रहेगा, जिससे आई विल हैव कंट्रोल। डायरेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, बी इज एक्वायरिंग ए एंड आफ्टर एक्विजिशन बी विल हैव 60% शेयर होल्डिंग। इट मीन्स न्यू शेयर होल्डर जो आए उनका 40% होल्डिंग, ऐसा थोड़ा थोड़ा वो समझ में आता है वो एनसीआई। हाँ, तो यहाँ पे कंबाइनिटी और जिसमें 60% किसके होते थे, मिस्टर वाई, और 40% होते मिस्टर एक्स के, बराबर। मतलब मैं ये बोलता हूँ, सबसे पहले समझते जाना बी के पास थे कितने शेयर्स ऑलरेडी, 60। बी हैज 60 शेयर्स एंड आफ्टर एक्विजिशन, अगर एक्विजिशन करना है का तो एक ही शेयर होल्डर को भी कुछ शेयर देना पड़ेगा, विच इज अ सेलिंग कंपनी, तो शेयर देता, और शेयर देने के बाद रेशियो 60-40 का होना चाहिए, सो दैट मिस्टर बी विल हैव कंट्रोल और शेयर होल्डर्स ऑफ बी विल हैव कंट्रोल। पता नहीं कितना समझ में आ रहा। तो 60% के लिए 60 शेयर्स है, तो और कितने इशू करते जिससे वो 40-60 का रेशियो हो जाए, तो बी वुड हैव इशूड आई कैन से 40 शेयर्स टू शेयर होल्डर्स ऑफ ए, टू शेयर होल्डर्स ऑफ ए दैट इज मिस्टर एक्स, बराबर है। और फिर उसको कितना रुपया देता, अगर 40 शेयर देता, और ये किसका शेयर है, शेयर्स ऑफ किसका है, बी, और हर शेयर कितने रुपए का है, अगर मैं देखेगा बी का तो 40 रुपए का है, तो 40 × 40 ये थोड़ा भी ऐसा लग रहा है, अलग लग रहा है, मैं वापस बोलता है, सुनो अब दूसरे मेथड से समझाता हूं तो शायद ज्यादा क्लियर हो जाए। ये था नोशनल मेथड कि ऐसा ऐसा होता तो क्या होता, एट द एंड ऑब्जेक्टिव था रिवर्स एक्विजिशन हुए, और एक्विजिशन के बाद जो ओल्ड शेयर होल्डर है उसका 40% रहे और जो दूसरे उसका 60% रहे, तो डायरेक्ट एक्विजिशन करता रिवर्स की जगह पे, तो एट द एंड रेशियो वही होना चाहिए उस कंबाइंड एंटिटी में, जो ओल्ड शेयर होल्डर ए है। थोड़ा समझता है ये चीज, अगर ये समझता तो दूसरे मेथड से समझाता हूँ शायद थोड़ा और क्लियर हो जाए। जो एक्चुअल में मेथड हम लोग यूज करेंगे अभी, मेथड टू, तो तूने खाली वो 60 का 60% किया, 60 तो है ना, उसमें से थोड़ी देंगे, नया इशू करेंगे, नाउ अब करते हैं एक्चुअल सिचुएशन। समझना, और ए लिमिटेड है यहां पे, शेयर होल्डर्स ऑफ ए लिमिटेड, शेयर होल्डर्स ऑफ ए है जो मिस्टर एक्स है, और यहां पे शेयर होल्डर्स ऑफ बी जो मिस्टर वाई है, ए लिमिटेड है बी लिमिटेड है। अब मैं जो चीज बोल रहा हूं देखो वो समझो, पीसी किसको दिया जाता है, सेलिंग कंपनी के शेयर होल्डर को। देखो मैं ऐसा बोलूँगा समझता है क्या, ट्रांजेक्शन खत्म होने के बाद एक्वायरी, और एक्वायरी के शेयर होल्डर्स जिनके शेयर खरीद रहे हम लोग, मतलब आई कैन से पीसी समथिंग, अगेन आई विल रिपीट, विच इज पेड टू ओनर्स ऑफ सेलिंग कंपनी, ओनर्स ऑफ सेलिंग कंपनी। सो ये सेलिंग कंपनी है, अच्छा अब मैं वापस बोलता हूँ देखो, अब ये ध्यान से सुनना, हम सेलिंग कंपनी को खरीदेंगे, हम परचेसर, हम खरीदेंगे, उसके बाद जो शेयर्स देंगे वो किसको देंगे, शेयर होल्डर्स ऑफ सेलिंग कंपनी। तो एट द एंड पूरा ट्रांजेक्शन होने के बाद जो बचता है ना शेयर होल्डर्स ऑफ सेलिंग कंपनी के पास, वो पीसी होता है, पीसी समथिंग विच इज पेड टू शेयर होल्डर्स ऑफ सेलिंग कंपनी। अदर वे राउंड आई कैन से दैट वंस द ट्रांजेक्शन हैपन्स, वॉट एवर इज देयर विद द शेयर होल्डर्स ऑफ सेलिंग कंपनी इज पीसी,
जिनको दिया गया उनसे लेके फिर जो उनको खत्म कर दिया कि ये पैसा आपका इतना ले लो। आफ्टर बिजनेस कॉम्बिनेशन वॉट एवर शेयर आर हेल्ड बाय शेयर होल्डर्स ऑफ सेलिंग कंपनी इज पीसी। इसमें कोई डाउट है या पक्का क्लियर है? जो हमने दिया तो उनके पास बचा। इस वाले ट्रांजैक्शन में मुझे बताओ सेलिंग कंपनी कौन है? ए लिमिटेड। तो आई कैन से ये ट्रांजैक्शन होने के बाद जो भी बचा कुछ चाहे शेयर होल्डर्स ऑफ ए लिमिटेड के पास वो उनका पीसी हो गया। समझता है? ये ट्रांजैक्शन होने के बाद शेयर होल्डर्स ऑफ ए के पास मतलब मिस्टर वाई के पास क्या बचता है? 100 शेयर। पहले ही 100 थे प्लस 150 इशू के, मतलब एडजेंट सारा ट्रांजेक्शन होने के बाद इसके पास 100 शेयर्स है। 100 शेयर्स विथ मिस्टर अपना एक्स इनटू उस हर एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 16। बिकॉज ए के शेयर की वैल्यू 16 है, देन इट्स 1600। पता नहीं कितना दिमाग में गया रहेगा या समझा तुमको या तुम्हें बोल देगा ऐसा करने का है करके कि मैं वापस तुमको बोलता है कि पीसी समथिंग विच इज पेड टू शेयर होल्डर, तो उसके हिसाब से समझाया। और आई कैन से पीसी समथिंग व्हाट रिमेन्स विद शेयर होल्डर्स ऑफ सेलिंग कंपनी आफ्टर एक्विजिशन। एक्विजिशन होने के बाद शेयर होल्डर्स ऑफ सेलिंग कंपनी को जो दिया तो उनके पास वो बच गया, तो दैट इज समथिंग। या नहीं कनेक्ट नहीं हो रहा? क्या नहीं शेयर्स? अच्छा तुम ये बोल रहे हो कि मैं ये बोल रहा हूँ ये जो हाँ, वापस बोलो क्या बोले तुम? हाँ जो शेयर से वो ए और एक्स और वाई के पास नहीं, ए लिमिटेड के पास है। बी लिमिटेड के शेयर्स शेयर होल्डर के पास नहीं है, कंपनी के पास है और कंपनी को कंट्रोल करता है बी। अब मिस्टर एक्स को इस ट्रांजेक्शन, मिस्टर एक्स को कुछ नहीं मिला इस ट्रांजेक्शन से, अरे वो साइड में था। ट्रांजेक्शन हुआ कि कंपनी ने शेयर्स लिए और शेयर्स दिए, ये तो साइड में अपने शेयर्स लेके, उसको थोड़ी कुछ मिला। अभी भी लगता है और वो लगेगा ही तुमको क्योंकि अलग है, लेकिन स्टिल इट इज जस्टिफाइबल, मतलब उसमें कुछ ये नहीं, इट इज रिवर्स एक्विजिशन। कोई डाउट है तो बोलो, बिकॉज एट माई एंड आई फील इट इज वेरी मच क्लियर करके। अब तुमको कुछ डाउट आता है तो बोल सकते हो, बिकॉज आई फील इट इज वेरी मच क्लियर वैसा, बट स्टिल देखो मैं क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। पीसी समथिंग विच इज पेड टू शेयर होल्डर्स ऑफ सेलिंग कंपनी, मतलब जो कंपनी बेच रहा है उसके शेयर होल्डर को जो जो दिया वो पीसी हो गया उसके ओनर को, बराबर? ये समझता है? अब आई कैन सी दिस कि इस केस में अब जब मैं एक्वायर कर रहा हूं, भले ए बी को करे या बी ए को करे, एट द एंड होने क्या वाला है, जो एक कंबाइंड एंटिटी बनेगा उसके अंदर हमारा 60% कंट्रोल होगा, जो एक्वायरर रहेगा और जो एक्वायरी रहेगा उसका 40% रहेगा। तो यहां पे घुमा फिरा के दिया था कि जो कंपनी बनी थी उसमें एक्वायरर का 60% था ए के अंदर। मैं अदर वे राउंड ऐसा बोलता, जो भी कंबाइंड एंटिटी वो ए थी इस केस में, मान लो बी ही सीधा एक्वायरर एक्वायर कर रहा है ए को, तो बी लिमिटेड एक कंबाइंड एंटिटी बन जाती थी। और मैंने ये बोला है कि इस केस में डील ऐसा, अगर मैं डायरेक्टली करूं तो जो भी हो जाए, जो कंबाइंड एंटिटी बनेगा उसके अंदर 60% होल्ड दूसरे का होना चाहिए और हमारा खुद का, मतलब जो बी वाले शोल्डर का उसका 60% होना चाहिए और दूसरे का 40% होना चाहिए। बिकॉज अगर उसका 60 हो गया तो वही कंट्रोल करेगा सारा चीज। मेरा कंट्रोल दोनों चीजों पर चाहिए, दोनों कंपनी पे, मतलब मिस्टर बी वाले का। तो मिस्टर बी बोलता है कि मेरा एक जगह पे ग्रेटर देन 60 चाहिए, जो दूसरे को कंट्रोल कर रहा है। मिस्टर वाई बोलता है कि जिस भी कंपनी में मेरा एक रहेगा, जो पेरेंट कंपनी है उसमें मेरा 60% होल्डिंग रहेगा। अब समझता है? हाँ, 60 समझता है, ए में रहेगा। ए में रहेगा, देख सिंपल है।
मिस्टर वाई मतलब शेयर होल्डर ऑफ बी, उसका एक ही चीज है दैट नो मैटर वॉट हैपन्स ही विल हैव 60% कंट्रोल इन होल्डिंग कंपनी, और होल्डिंग सब्सिडियरी को कंट्रोल करेगा तो ऑटोमेटिकली वही पर्सन जो 60% वाला है वो सब्सिडियरी को कंट्रोल करेगा. तो उसका कंसर्न क्या, तो रिवर्स एक्विजिशन में क्या हो रहा है मालूम है क्या, हु इज होल्डिंग कंपनी ए, ए के अंडर आता है बी, बी को कंट्रोल कर रहा है ए और ए को कंट्रोल कर रहा है मिस्टर वाई दैट इज बी के शेयर होल्डर. आप बोल रहे हो कि जो शेयर चेंज होता है वो कंपनी के पास रहेगा, मतलब बी का जो शेयर है. ये नोशनल सिचुएशन है फर्स्ट वाला, मैं खाली समझा रहा हूं ऐसा होता तो क्या होता. हुआ नहीं है ऐसा. हाँ बोल वापस, तो क्या बोल रहा था. मतलब कि जो बी का शेयर है वो शेयर होल्डर ऑफ ए के पास नहीं है, वो कंपनी के पास है, ए के पास है. जब भी एक्विजिशन हो रहा है ना, कंपनी इज हैविंग शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी जिसका खरीदा जा रहा है और पेमेंट हो रहा है शेयर होल्डर को. अच्छा बोल फिर भी वापस बोल, कौन सी कंपनी क्या कर रहा है बता वापस. वंस आई अक्वायर द कंपनी, मैं खरीद के शेयर्स खरीद रहा हूँ, हाँ, तो उसके शेयर जो मैं खरीद रहा हूँ वो कंपनी के पास आ रहे हैं. हाँ, जो मैं पैसा या शेयर वो शेयर होल्डर को दे रहा है. हाँ, तो क्लियर हो गया. तो उसका 60% शेयर उसके शेयर होल्डर के पास जा रहा है, पर उसका जो 60 शेयर है वो मेरे शेयर होल्डर के पास नहीं आ रहा, मेरे कंपनी में आ रहा है. जो भी है वो मेरे को नहीं समझा, लेकिन तेरे को डाउट है तो बता मेरे को इसमें. वैसा है उसका लुकआउट ही नहीं, उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है. तो इसके पास 100 शेयर थे अभी तक मेरा, मतलब इश्यूड कैपिटल 100 था, परफेक्ट 60 था. तो मैं जो उसको पैसा दे रहा हूँ तो उसका 60 शेयर ए लिमिटेड के पास आ रहा है, और जो मेरा शेयर जा रहा है वो शेयर होल्डर के पास जा रहा है, और वो शेयर होल्डर मेरे में अभी कंट्रोल कर रहा है. हाँ, और जो मेरे शेयर होल्डर है उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि उसके शेयर कंपनी होल्ड कर रही है. नहीं मेरे शेयर, हाँ बराबर, हाँ उसको कुछ मिल नहीं रहा है. बराबर है, उसको मिल नहीं रहा, बराबर है, पर उसकी वैल्यू में थोड़ी सी इंक्रीज तो होगी ना. मतलब किसकी, जो उसके ए के शेयर होल्डर थे एक्स, हाँ उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी ना, नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो गए क्या. नहीं. और अगर जितनी वैल्यू इसकी इंक्रीज होगी आफ्टर एक्विजिशन उसके भी शेयर, तो उसकी भी इंक्रीज होगी जो आया है. हाँ. तो एट द एंड तो फिर भी वही कंट्रोल करेगा ना, उसके पास 6 करेगा. हाँ, तो वैल्यू का क्या बात आता है इसमें. वैल्यू से मुझे कोई लेना देना ही नहीं है वैल्यू. ट्रांजैक्शन समझ गया कि उसके शेयर मैं खरीद रहा हूँ, मेरे कंपनी के नाम पर है, मेरा शेयर उसके शेयर होल्डर पे जा रहा है, इसलिए उसका शेयर होल्डर मुझे कंट्रोल कर पा रहा है. चलेगा, कोई है नहीं बट अभी तुम बोल. अच्छा पक्का क्लियर है ना इसमें कुछ ऐसा इतना ज्यादा. अच्छा तो दिमाग आगे और खराब होएगा अभी बहुत ज्यादा. ये तो शुरुआत था खाली, वैसा है. हाँ, बट समझा है ना अभी तक, अभी तक गिव अप नहीं किया है. अच्छा हाँ, अच्छा और एक्चुअल में हम मेथड 1 फॉलो करेंगे या 2. टू बिकॉज एक्चुअल में शेयर इश्यू ही नहीं होता, नोशनल सिचुएशन ही कि ऐसा होता तो क्या होता. थोड़ी 40 गया है शेयर. पक्का, चलो पीसी डिसाइड होएगा अभी. एक्चुअली आगे जाके बहुत सारी चीजें हैं जो भी पता चलेगा एक एक करके. चलो अब इसके बाद कौन सा स्टेप आता है. आइए ना. अच्छा आइए ना, ए के निकालेंगे या बी के निकालेंगे. ए लिमिटेड के. अरे बिकॉज ए लिमिटेड इज अ सेलिंग कंपनी, एक्वायरी का निकलता है. समझता है ये चीज. तो मेरे को आई नहीं निकाल के बताओ जरा.
अरे करते हो तुम, तुम बस खाली समझने पे ध्यान दो, सॉल्यूशन तो मॉड्यूल में भी है और ऐसे भी मिल जाएगा ये, या तो उसका पीडीएफ भी वो तुम खाली अभी समझो और मेरे को बताओ आईएनए क्या है। काफी इजी है, काफी इजी है एकदम, मतलब इसमें तो गलती होना ही नहीं चाहिए। हाँ पहले आईएनए किसका निकलेगा, हाँ तो आईएनए कैसे निकलता है, है ना वो ऐसे ही नहीं तो बोलता थोड़ी तुमको कितना है कितना है, ये क्वेश्चन करके जाना पता चला तुम्हारे एग्जाम में आ गया करके। बताओ आई एन ए कितना है करके, अच्छा इक्विटी शेयर कैपिटल बताओ कितना है, इक्विटी शेयर कैपिटल 300। क्यों दिमाग लगा, एक शेयर का फेस वैल्यू 3 रुपया बोला है तो 3 रुपया बोले, तुम दिमाग नहीं लगाने का, वो 100 शेयर का 300 इसको बोलते हैं बुक वैल्यू ऑफ आई एन ए, पर आपको याद रहेगा बिकॉज बिजनेस कॉम्बिनेशन है तो फेयर वैल्यू पे देखा जाता है कि मैंने ज्यादा कितना दिया, बुक में क्या रिकॉर्ड किया ये मैटर नहीं करता। तो कोई एक ये शॉर्टकट है आपको, अगर लॉन्ग कट करना है तो क्या करने का, असेट माइनस लाइबिलिटी करने का, और असेट एट फेयर वैल्यूज लाइबिलिटी एट सेटलमेंट वैल्यूज करके। बट यहाँ पे एक असेट ऐसा है जो बुक वैल्यू पे आया लेकिन उसकी फेयर वैल्यू अलग है करके, कितनी है उसकी 1500 वैल्यू अगर आप देखोगे एक एनसीए की नॉन करंट, और बुक में कितने पे रिकॉर्ड हुआ है, तो मतलब इसमें 1300 आ गया है असेट माइनस लाइबिलिटी करके, प्लस इंक्रीज इन क्या आ जाएगा आपका, इंक्रीज इन नेट करंट असेट लिख देते नहीं तो, नेट करंट असेट्स सॉरी नॉन करंट असेट्स विच इज 300 कितना सॉरी 200 Now you need to calculate what? Goodwill. No, it is quite easy. You know PC, you know INA. There is no NCI. There is no NCI. तुमको मैं समझाता हूँ एक चीज समझो, नहीं बट एनसीआई नहीं है ये समझो क्यों, ए ने बी को एक्वायर किया, मान लो अगर इस केस में ए ने बी को किया तो उसके सारे शेयर खरीदे थे ऐसा दिख रहा था, मान लो ये रिवर्स था, लेकिन अगर मैं नॉर्मल था बी ए को खरीदता तो भी एक को जब खरीदता नोशनली तो सारा ही खरीदता ना एक का, अरे इसलिए मैं सोच रहा था कैसे कराए बट अभी वो ठीक है समझो उसको। वैसे तो स्टेप्स है जो हम बाय हार्ट कर सकते हैं बट उसके पहले पहले थोड़ा दिमाग खराब करते हैं वैसे। अच्छा मेरे को ये बताओ, मान लो रिवर्स एक्विजिशन नहीं होता क्या होता, नॉर्मल एक्विजिशन, तो कौन किसको खरीदता, बी को ए को खरीदता, और ए का पूरा शेयर्स खरीदता या फिर वो बोल रहा है कि वो 100 में से कुछ थोड़ा ही खरीदता, पूरा खरीदता ना।
अरे इस केस में क्या बोला था, ए जब बी को भी खरीद रहा है तो ही इज कंसीडरिंग ऑल शेयर्स जो खरीदा जा रहा है. हाँ या फिर अदर वे राउंड, वो वैसा इनडायरेक्ट नहीं बनाते तो डायरेक्ट बनाते, तो डायरेक्ट बनाते तो कौन किसको खरीदता, बी ए को खरीदता ना, मैंने अभी समझाया. उसके 100 शेयर थे तो उनको हम यहाँ पे होल्डिंग दे देते, हमारे शेयर्स देते. अरे सुनो मैं आपको क्या समझाता हूँ, सुनो एक चीज, ए लिमिटेड है बी लिमिटेड है, मान लो मैंने इसके 100 शेयर्स थे, मैंने ये खरीदे, किसने खरीदे, ए ने, तो ए ने उसको 100 शेयर्स दिए बराबर, और ए के पास से 1000 शेयर्स, तो 1100 हो जाएगा. अब आप बोलोगे क्या ए लिमिटेड में एनसीआई है, नहीं. सुनो तुमको मैं समझाता है, ए लिमिटेड है बी लिमिटेड है, सुनना जरा समझना, ए लिमिटेड है बी लिमिटेड है. अच्छा मैं थोड़ा और अच्छे से समझाता है, ए है बी है, ध्यान से, इसके पास 10,000 शेयर थे, इसके पास 1,000 शेयर थे. हुआ क्या कि कौन किसको खरीद रहा है, नॉर्मल रखते एकदम, ए बी को खरीद रहा है, ए बी को खरीद रहा है, तो इधर 1,000 शेयर आएंगे, इधर 1,000 शेयर दिए जाएंगे. मैं ये बोल रहा हूँ ए लिमिटेड के पास टोटल कितने शेयर्स हो जाएंगे, 11,000, और यहाँ पे 1,000 शेयर आ जाएगा. अच्छा अब बराबर है, ये ए का है स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. नाउ व्हेन ए कंसोलिडेट्स विद बी, इज देयर एनी एनसीआई? नो. समझ में आता है क्यों? बिकॉज ये पर्सपेक्टिव से बोलते हैं कि बी में कोई एनसीआई नहीं है ना, कि जिसको हमने एक्वायर किया उसमें द वन हु इज एक्वायरर. हां हम्म, उस एक्वायरी में कोई एनसीआई नहीं. तुम पहले ये समझते हो, तुम अभी क्या कर रहे हो ना, मैं रिवर्स के अंदर, तुम इसको एनसीआई मान रहे हो कि ये 10,000 है और ये 1,000 है, तो ये 1,000 एनसीआई हो गया. वो नहीं है एनसीआई, वो तो एसएफएस में वो होल्डिंग है उसका 1,000 का. डाउट आ रहा है क्या? मैं क्या बोलता है, अगर मैं इसको ऐसा करता 60% 40%, सर जब हम बोलते हैं एनसीआई नहीं है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है कि ए ने बी का शेयर खरीदा है, तो बी का जो कंपनी है उसका ए 100% होल्डर है और उसमें कोई और किसी का इंटरेस्ट नहीं है. इसका इंटरप्रिटेशन है इन द सेंस एक्वायरर ने एक्वायरी का 100% खरीद लिया है और उसमें और किसी का इंटरेस्ट नहीं है. एकदम अभी रिवर्स का जो गेम लोग कर रहे हैं, अभी इसमें ए को एक्वायर कर रहे हैं पर ए में एक्स का भी जो होल्डिंग था ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ, अभी आगे के इश्यूज भी समझाता हूँ जिससे पता चलेगा ऐसा क्यों है करके. बैलेंस शीट किसके नाम पे बनेगा? नहीं, ये सारे इश्यूज है आगे आने वाले हैं. मैं आपको समझाएगा, असेट सारे बी के होएंगे लेकिन लीगली तो ए ही एक्वायरर है. इसने मैंने बोला कि थोड़ा वेट करो तुमको वो पता चलेगा. मैं तुमको जो समझा रहा हूं वो समझो, लेटर हेड ए का रहेगा लेकिन असेट सारे ए और बी वैसा रहेगा. मतलब लीगली तो ए ही एक्वायरर है. अभी इश्यूज आपको समझेंगे कि वो क्या है करके, जो तुम ये बोल रहे हो ना उस हिसाब से. व्हेन बैलेंस शीट ऑफ ए विल बी प्रिपेयर्ड, मान लो मैं ए की बैलेंस शीट बनाता है, मैं एक यहाँ पे मैं अगर ए का बैलेंस शीट बनाता इसमें एनसीआई आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा. ये समझता है? बस वैसे ही यहाँ पे ए का नहीं आएगा बिकॉज बैलेंस शीट ए का बनने वाला. अभी मैं समझाऊंगा आगे जाके क्यों और कैसे करके, और वो फिर जस्टिफाई भी होएगा वैसे. बट पहले अभी तक ऐसा थोड़ा इतना तुम अभी एक ही चीज को लेके बैठे हो कि वो एक्वायरी ए है और एक्वायरी में ए का है, मतलब वो एनसीआई हो गया. बी इज नॉट कंट्रोलिंग ए, ए इज कंट्रोलिंग बी.
सुन 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 ए है बी है बराबर, हु इज पेरेंट एंड हु इज सब्सिडियरी। तो मान ले ये पेरेंट है और ये क्या है सब्सिडियरी है। रिवर्स एक्विजिशन में भी ए ही पेरेंट है और बी ही सब्सिडियरी है। समझ मुझे बताना ये 100% शेयर्स है ए के बी के पास, अब एनसीआई आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। पेरेंट और सब्सिडियरी है, पेरेंट और सब्सिडियरी की सबसे बात होती है एनसीआई का जब होएगा। एनसीआई का मतलब क्या होता है सुन, एनसीआई का मतलब होता है कि हम जिस कंपनी में कंट्रोल कर रहे, जैसे वो एक्वायरी एक्वायरी कंपनी, या आप यहाँ पे बोलो सब्सिडियरी बोलो तो भी चलेगा, वो शायद ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग समझेगा। सब्सिडियरी इन विच वी हैव शेयर्स, अगर हमारे अलावा किसी और के है एनसीआई आएगा। अच्छा ठीक है, रिवर्स एक्विजिशन में है ना पेरेंट सब्सिडियरी तो वही रहता है, रिवर्स एक्विजिशन में एक्वायरर एक्वायरी चेंज होता है, पेरेंट सब्सिडियरी चेंज नहीं होता। समझ, अभी भी बी लिमिटेड ही सब्सिडियरी है और ए ही होल्डिंग है एंड ए इज होल्डिंग शेयर्स इन बी, और बी में जब होल्ड कर रहा है तो वो 100% ही पूरा है। उसे कुछ काम का नहीं है बट ठीक है, समझा तुझे, समझ में आता है। सब्सिडियरी के अंदर जो दूसरे का शेयर है उसको बोलते हैं एनसीआई। यहाँ पे सब्सिडियरी ए नहीं है, ए पेरेंट ही है, भले वो रिवर्स एक्विजिशन है फिर भी ए ही बी को कंट्रोल कर रहा है। तो हम देखेंगे जो सब्सिडियरी उसके अंदर किसी और का है क्या ए के शेयर्स के अलावा? नहीं है किसी के, तो देयर शुड नॉट बी एनी एनसीआई। अब इससे ज्यादा क्या होएगा मतलब? अब नहीं अभी तो बैलेंस शीट में भी पूरा आधा अधूरा होने वाला, आधी बैलेंस शीट इसकी आधी बैलेंस शीट इसकी। आई नहीं क्यों, बिकॉज देख होल्ड एनसीआई कैसे समझते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे अभी तो तुम बैलेंस शीट बनाते टाइम भी तुम लोगों को हजार डाउट आएंगे कि ऐसा ही क्यों हुआ। एक जुगाड़ वो बनाएगा, मैं आपको समझाएगा, वैसे जस्टिफिकेशन रहेगा बट फिर भी तुम्हें ऐसा लगेगा कि गलती है करके। मैं गुडविल पूछता हूँ कितना आएगा बताओगे? बिकॉज आपके आई एन ए कितने थे? 1300 थे बराबर बोल रहे हो ना? हाँ बराबर है। अब मैं कुछ चीजें बोलता है वो समझो। हु इज एक्वायरी? ए। या तो अगर मैं आपको एक चीज और सिंपल बोलूं, इट इज नॉट, अगर थोड़ा एकदम सिंप्लीफाई ये करने जाए, इट इज नॉट आपका 60% होल्डिंग वगैरह। अंडरस्टैंड दिस, यू आर एक्वायरिंग द एंटायर बिजनेस इटसेल्फ, इट इज वन टाइम ट्रांजैक्शन, इसके बाद हर साल नहीं बनने वाला वो। इट इज नॉट सीएफएस करके, अगर मैं वैसे समझाऊं, तुम पूरा बिजनेस ही खरीद रहे सामने वाले का, तो एनसीआई की वगैरह बात नहीं आएगी। पर चलो ठीक है, वो देखते। अच्छा अभी मैं अगर बैलेंस शीट बनाता है, अब इस पे आते हैं। अरे वो बोला था उसको भूल जाओ अभी थोड़ी देर के लिए, वो एंड में आएगा करके। वैसे अभी तक तुम्हारे दिमाग में क्या है कि बैलेंस शीट बी का आएगा? बिकॉज बी, अरे अच्छा ठीक है ए का आएगा, ठीक है। बट जब असेट और लाइबिलिटी ऐड करेंगे तो जो बी का है ना असेट लाइबिलिटी, वो बुक वैल्यू पे ही आएगा।
और ए का जो है ना वो फेयर वैल्यू पे आएगा, समझता है ऐसा या इसमें कोई डाउट है? पक्का एज तो ठीक है, मेरे को ज्यादा दिमाग नहीं खराब करने का है। ए के असेट्स एंड लायबिलिटीज एट फेयर वैल्यू एंड बी के असेट्स एंड लायबिलिटीज एट बुक वैल्यू। वैसे इस क्वेश्चन में पूरा फर्क नहीं पड़ता, खाली ए की वैल्यू क्या है, वो फेयर वैल्यू किसका दिया है, ए का, तो वही अपने को लेने का। अगर बी का फेयर वैल्यू देते भी ना तो भी नहीं लेते, इग्नोर कर देते, बिकॉज बी इज या तो सिंपल मैं लिख देता हूँ, ए का फेयर वैल्यू पे, या तो सिंपल वो जो आई एन ए आया था वो फेयर वैल्यू किसका आया था, ए का, तो आई एन ए उसका फेयर वैल्यू पे आया था ना, तो फेयर वैल्यू पे लेने का, ज्यादा अगर कहीं से नहीं समझता। हाँ हाँ बी का बुक वैल्यू आएगा, फिर हम लोग एक स्टेप बना लेंगे, ऐसा करने का ऐसा करने का ऐसा करने का, तो आंसर आ जाएगा। मेरे को असेट्स बताओ कितने आएंगे, नॉन करंट असेट्स 1300 प्लस 3000 या 1500 प्लस 3000? 1500 प्लस 3000 कितना आता है? 15,000 45 अच्छा, उसके बाद और क्या है, करंट असेट्स भी है, अभी कोई टेंशन नहीं लेना है, पर बोलूँ तो ये फेयर वैल्यू है और ये बुक वैल्यू है, अगर मैं सिंपल बोलूँ तो जो एडिशन हो रहा है कितना आ रहा है। अभी तक मैं अच्छे से स्टेटमेंट नहीं बना रहा हूँ, लेकिन ऐसा ग्राफ में बना रहा हूँ समझाने के लिए। उसके बाद लाइबिलिटीज पे आना, करंट लाइबिलिटीज में कितना आएगा, 900। अरे शिट, उसके बाद आगे देखना, करंट लाइबिलिटी के बाद क्या है ऊपर, नॉन करंट लाइबिलिटीज कितना आ जाएगा, 900। और क्या क्या है, रिटेन अर्निंग किसका आएगा, ए का या बी का? ये से एक्वायरर का आएगा, बी का आएगा, बी का आएगा, अरे तुम अभी ए का बैलेंस शीट है बी का ये भूल जाओ, तुम ये देखो कि हम क्या कर रहे हैं एक्विजिशन, तो एक्वायरर का हम क्या कर, एक्वायरी सुनो, इन बिजनेस कॉम्बिनेशन असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ एक्वायरी आर टेकन एट फेयर वैल्यू, रिजर्व्स आर टेकन, नो, तो एक्वायरी के रिजर्व्स नहीं लिए जाते, तो रिजर्व्स खाली एक्वायरर के ही दिखेंगे, जा रहा है क्या, गुडविल कितना आएगा, और रिटेन अर्निंग बी का कितना है, बराबर बराबर है ना, इसमें कोई डाउट है, पक्का? सो यू हैव टू प्रिपेयर एंटायर बैलेंस शीट एज इफ इट इज बैलेंस शीट ऑफ बी, बिकॉज बी इज एक्वायरर। नाउ नाउ इफ आई टॉक अबाउट शेयर कैपिटल, अगर मैं बी का लिखता है तो प्रॉब्लम क्या, लीगल टर्म में लोगों के नजर में किसने किसको एक्वायर किया है, ए ने बी को। अच्छा अच्छा, पीसी इशू हुआ था, किसने इशू किया रहेगा शेयर, ए ने। देखो अगर आप ध्यान दोगे, आई ए ने भी ए के आए, शेयर्स भी इशू ए के ही हुए, मतलब पीसी भी उसने ही दिया एक तरीके से, एक्चुअल में वो रियली हम लोग ने देखा कि ऐसा ऐसा घुमा के, लेकिन ठीक है, मैं क्या बोल रहा तुमको समझ में आ रहा है, हाँ,
एट द एंड आप देखने जाओगे, अच्छा चलो अगर मैं इक्विटी शेयर कैपिटल लिखता तो कितना लिखता, अगर आप बी का लिखते तो 60 शेयर्स लिखते या 100? क्या एक्चुअल में 40 इशू किए थे? नहीं, वो नोशनल था। पीसी निकालने का एक मैंने तरीका बताया था कि 60% के लिए 60 है तो 40% 60-40 का रेशियो बनता है, तो उसे 40 और वो देगा और 40 इंटू वो फेयर वैल्यू कराया था, बराबर। हाँ वैसे लिखने जाते तो 60 लिखते हैं, बी का अगर लिखते हैं। अभी इस केस में क्या करूँ? But now, see, it is whose balance sheet? Actually, if you see legally, it is Mr. A who is acquiring on paper वगैरह देखोगे। तो हम क्या बोलते हैं, लीगली ये एक्वायर कर रहा है ना, तो बैलेंस शीट में भी एक्विजिशन ए का ही दिखेगा, लेकिन सब्सटेंस ओवर फर्म मतलब बताए असेट्स, उस असेट्स एंड लायबिलिटी उस हिसाब से जाएंगे कि बी ए को एक्वायर कर रहा है, बिकॉज ए इज एक्चुअली लीगली एक्वायरिंग। तो अभी अगर बी का बताएगा तो लोगों क्या लगेगा कि लीगली तो दिखाया जा रहा है कि ए बी को एक्वायर कर रहा है, लेकिन बैलेंस शीट में दिख रहा है कि बी ने को एक्वायर किया, उनको समझ में ही नहीं आएगा। और समझने की बात नहीं, लीगली जो है उसी के बुक में दिखना चाहिए वो ट्रांजेक्शन। हाँ। एक के पास खत्म हो गया यहां तक, एक के पास 100 शेयर्स है प्लस कितना शेयर्स है 150 इंटू उसका फेयर वैल्यू, आपका सॉरी फेस वैल्यू कितना है 3, that comes to how much? 750. अब मैं कुछ समझा रहा है, बैलेंस शीट टैली नहीं होएगा। समझता है क्यों नहीं टैली होएगा? तुमने आधा इधर से लिया है आधा उधर से लिया है, मतलब ऑल कंपोनेंट्स आर ऑफ ए प्लस बी करके, वैसा तो डिफरेंस निकाला। मैं आपको समझाता है, समझो अब मैं जो समझा रहा हूं एक बार वो समझना, और आपका इसको वैसे तो कुछ ज्यादा नहीं बोलते, रिवर्स मर्जर एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से बोला जाता है, रिवर्स मर्जर एडजस्टमेंट अकाउंट। वैसे ये डिफरेंस आपने पहले भी कभी देखा हुआ है, जब एक कंपनी अमालगमेशन में दूसरे कंपनी का स्टैट्यूटरी रिजर्व के बारे में होता था, तभी भी अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व आता था, ऐसा कुछ सुना था, वो स्टैट्यूटरी रिजर्व था करके, तो टेक ओवर नहीं होता था। तो कब तभी कभी कुछ डाउट आया था, सर ने बोला था बैलेंसिंग फिगर और याद आता अच्छा देखो अगर मैं आपको कुछ समझाऊं तो ज्यादा अगर दिमाग नहीं खराब करे तो वैसे आई कैन से दैट यू हैव टेकन शेयर कैपिटल ऑफ द सिंपल इंस्टेड ऑफ बी यू हैव टेकन ए, सो ऑब्वियसली देयर गाना बी सम डिफरेंस बिकॉज आपने रिजर्व लिया है बी का, कैपिटल ले रहे हो ए का, so there will be a difference and that difference will be transferred to revaluation adjustment account, that's it, agar zyada nahi ye karna ho to usko
1450 कैसे आया, क्यों आया करके एनालाइज करते, चलो दिमाग लगाते मैं आपको बताता हूँ। चलो समझो, सुनना जरा, यहाँ पे एक्चुअल में 750 नहीं आना चाहिए था। अच्छा कोई बता रहा है? बोल। नहीं, अच्छा मैं क्या बोलता है, नॉर्मली बी ए को एक्वायर करता, बराबर है, बी ए को एक्वायर करता तो क्या क्या देता मेरे को बताओ। 40 शेयर देता बी, उसके फेयर वैल्यू पे लिखता और खुद की बुक वैल्यू पे लिखता। मान लो बी ए को एक्वायर कर रहा है तो 60 शेयर्स वर ऑलरेडी देयर एट द रेट ऑफ रुपीज 10, 600, वो और 40 शेयर देता, 40 शेयर देता, उसकी वैल्यू कितनी थी 40, तो 10 कैपिटल में दिखता, 30 सिक्योरिटी प्रीमियम में दिखता, या नहीं? तो कितना आता ये टोटल करना, तो कितना दिखता 2200। समझ में आता है? अगर ये बी करता तो एक्वायर, या अभी तक इसमें डाउट है क्या अभी जो लिखा? अगर बी एक्चुअल में एक्वायर करता तो 40 शेयर देता, जो नोशनल वाला बताया था। अगर बी ए को एक्वायर करता तो उनके छोटे को 40 शेयर देता ना, बिकॉज टर्म्स ये देखिए, एट द एंड 60% कंट्रोल होना चाहिए, तो 60 शेयर्स के लिए 60 तो और 40 देता ना, तो मर्ज एंटिटी में। अरे अभी वो ऊपर बताया था, वापस बोलूं, वो एट द एंड जो भी पेरेंट कंपनी रहेगा उसके अंदर अपना 60 होना चाहिए, ऐसा मिस्टर बी वालों का बोलना था। तो अगर बी ए को एक्वायर करता तो बी पेरेंट हो जाता, और बी के अंदर मिस्टर बी के शेयरहोल्डर वालों का कितना होना चाहिए 60, बिकॉज जो भी पेरेंट, बिकॉज अल्टीमेटली वो दूसरे को कंट्रोल कर पाएंगे फिर। नहीं यार, समझा? सी ओवर हियर, बी इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय ए एंड ए इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय मिस्टर वाई। सो व्हाट इज मिस्टर वाई'स कंसर्न? एट द एंड व्हिच एवर इज पेरेंट कंपनी, आई शुड हैव 60% कंट्रोल इन दैट, सो अल्टीमेटली आई हैव कंट्रोल ऑन बोथ पेरेंट एंड सब्सिडियरी, बिकॉज इफ आई कंट्रोल पेरेंट अल्टीमेटली आई विल कंट्रोल सब्सिडियरी टू। नाउ सपोज बी एक्वायर्स ए, बी एक्वायर्स ए, हु इज पेरेंट कंपनी? बी। सो नाउ मिस्टर वाई, हु इज शेयर होल्डर ऑफ मिस्टर बी, he will have a concern that I should have 60% holding in parent company now this time, which is B. So I have 60 shares. So सामने वालों को I will give only 40, तो 60-40 maintain रहेगा। तो जब मैं A को खरीद रहा है तो मैं उसको 40 देता था ना share, तो B limited 40 share देता, मैं B limited की बात कर रहा हूँ ये सारी अभी। तो B के पास 60 already थे, B 40 देता 40 के हिसाब से, तो 10 कैपिटल में 30 सिक्योरिटी एट द एंड, तो पूरा ये मतलब इक्विटी वाले पार्ट में आता, और कितना होता 2200 आता। अगर आप बी की बैलेंस शीट बनाते बी के नाम से, लेकिन आपने बी के नाम से बैलेंस शीट बनाया है क्या? नहीं, यू हैव प्रिपेयर्ड बैलेंस शीट एज पर इन द नेम ऑफ ए, सो दैट्स वाई यू रोट कैपिटल ऑब्वियसली। फिर शेयर बी का कैसे आएगा जब नाम ए का है? तो उस हिसाब से 750 आपने लिख दिया इंस्टेड ऑफ 2200। सो द डिफरेंस विच इज देयर इज बिकॉज ऑफ दैट, कि आपने शेयर कैपिटल बी का नहीं लिखा और उसका सिक्योरिटी प्रीमियम। पता नहीं तुम्हारे दिमाग में कितना जाते हैं, एक तो बहुत घुमा घुमा के इधर उधर से मैं जो बोलता है वो कितना दिमाग में फिल्टर आउट होता है, या तो सीधा बैलेंस जैसे तुम लीव वन लाइन इफ देयर इज रिवर्स एक्विजिशन। पर स्टिल यू सेड कि वो 1450 कैसे आया, तो स्टिल इट इज समथिंग पक्का। 40 शेयर्स मैं 40 में इशू करता ना, तो 10 का आता कैपिटल, 30 का आता प्रीमियम, तो एट द एंड तो 40 ही आता। Yes.
अच्छा जो एकदम ये है क्या, आपको लॉजिकली समझ गया है क्या चीजें हैं? अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल ना लिखेंगे कैसे, वो चाहिए तो मैं दे देता तुमको, मॉड्यूल में भी है बट स्टिल लिखो क्यों आया। अच्छा मैं तुमको स्टेप बाय हेड करवा देता है पहले। अरे नहीं नहीं वो ठीक है वापस होएगा, वो ऐसा कुछ नहीं, स्टेप्स में देखना। आपको रिवर्स इक्वेशन ढूंढना इजी रहेगा वैसे एक डायग्राम बना के। वंस यू नो दैट देयर इज रिवर्स एक्विजिशन व्हाट यू नीड टू डू, स्टेप नंबर वन, एक्वायरर कौन रहेगा? वो नहीं, हाँ बस ठीक है जिसको पीसी मिल रहा है ठीक है। सेकेंड स्टेप, व्हेन आई से डेटा ऑफ एक्विजिशन विच इज क्वाइट इजी। थर्ड स्टेप विच इज पीसी। पीसी क्या याद रखने का मालूम है, जो कंपनी शेयर्स इशू कर रहा है उसके शेयर होल्डर के पास जो भी बचा हुआ है शेयर ऑलरेडी जो था इनटू फेयर वैल्यू, इन दिस केस ए लिमिटेड पीसी इशू कर रहा है उसके पास कितने शेयर्स थे 100 इनटू उसका फेयर वैल्यू या मार्केट वैल्यू जो भी है, तो 100 इनटू 16 1600 घुमा फिरा के दूसरा सब बताया था। लेकिन अरे मैंने ये समझाया था कि सब अभी वापस नहीं बोलता मैं कि पीसी समथिंग विच इज गिवन या तो आफ्टर ट्रांजेक्शन विच इज लेफ्ट, तो उनके पास 1600 उसके बाद क्या करने का रिवर्स एक्विजिशन है, तो आप एक्वायर पूरा ही कर रहे हो उसको 60% वगैरह एक्विजिशन नहीं है तो एनसीआई नहीं आएगा, आप पूरा ही खरीद रहे हो उस कंपनी को रिवर्स में। देन आईएनए किसके निकलेंगे? एके, मतलब पीसीबी एके शेयर्स इनटू फेयर वैल्यू, पीसी एके शेयर्स इनटू फेयर वैल्यू, आईएनए भी किसके एके, उसके बाद गुडविल, और उसके बाद बैलेंस शीट बनाते टाइम सोचने का पूरा बी का है, और पूरा बना देने का खाली शेयर शेयर कैपिटल पे आने के बाद ए का लिख देने का और डिफरेंस। अच्छा आई होप इनटू फेयर वैल्यू फेस वैल्यू फेयर वैल्यू सॉरी इनटू फेयर वैल्यू, फिर आईएनए के लिए भी ए का ही देखने का, आईएनए के लिए भी ए का ही देखने का एट फेयर वैल्यू लेके आने का उसको, और उस केस में एनसीआई नहीं आएगा, एनसीआई नहीं आएगा। उसके बाद गुडविल निकालोगे और उसके बाद जब बैलेंस शीट बनाओगे सोचने का ही पूरा बी का है, बिकॉज बी इज एक्वायर, अब बस बिकॉज ए लीगली है तो लीगली उसका शेयर दिखेगा ऐसा, क्योंकि आप समझते हैं आप ये शेयर 100 बता ही नहीं सकते ना, बिकॉज शेयर्स तो 40 इशू ही नहीं हुआ है, शेयर्स इशू हुआ है 150 तो वही बताना पड़ेगा। नहीं 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 हाँ बोल बोल।